शाजापुर शहर में चल रहे स्वच्छ भारत अभियान के तहत वार्ड नंबर 6 मिंकी मोहल्ले में बने कचरे पॉइंट को हटा दिया गया। साथ ही नगर पालिका के द्वारा दीवारों पर सूचना देने के लिए चौक से लिखा गया है कि कचरा बाउंड्री के अंदर ही डाले, नहीं तो 1,000 रुपए का जुर्माना लगाया जाएगा। नगर पालिका ने कचरा पॉइंट के पास ना तो कोई सूचना बोर्ड लगाया है और ना ही कोई दिशा निर्देश के लिए बोर्ड लगाया है। स्वच्छ भारत अभियान नगर पालिका शाजापुर। यहाँ पिछले 8-10 दिनों से लगातार सफाई करवाई जा रही है और सूचित किया जा रहा है यहाँ स्वच्छता रहे और यहाँ कचरा फेंकने पर 500 रुपये जुर्माना है। कब से ये? पिछले 8-10 दिनों से। अच्छा, सामने जो मंदिर है उसके पंडित जी में हमारे साथ साक्षी के रूप में खड़े हैं, वो भी कुछ कहना चाहते हैं। तो आपने इस पे साइन बोर्ड तो लगाया नहीं? साइन बोर्ड ये सामने लिखा तो है नहीं, आपने दीवारों पे लिख दिया है। हाँ, नगर पालिका की तरफ से कोई ऐसा बोर्ड तो लगा हुआ नहीं? नगर पालिका की सूचना, हम साक्षी पूरे के पूरे तो बैठे हैं, स्वच्छता प्रेरक कमलेश जाद में नगर पालिका शाजापुर, पूरा व्यक्ति आपके सामने बैठा, आपको वोट की आवश्यकता है क्या? नहीं, फिर भी थोड़ा सा हिंस तो मिलना चाहिए पब्लिक को। इधर आइए, कितने बड़े अक्षरों में हिंट है, आपके वीडियो में एक प्रमाण ले लीजिए। अब वो तो है, ये तो दिख रहा सामने, लेकिन ये बाउंड्री वालों पे लिखा हुआ है तो हम ये चाहते हैं कि एक बोर्ड लग जाए तो वो अच्छा रहेगा थोड़ा। बोर्ड का देखा जाएगा मगर तो अब ये चीज़ जो है आम पब्लिक को तो अभी पता नहीं है, इसके लिए प्रयास जारी है। मेरा नाम हर्षित त्रिवेदी है। कहाँ रहते हो? हनुमान मंदिर में मेनकी मोहल्ला शाजापुर पोरा बाखल पे रहता हूँ। अच्छा, अभी क्या चल रहा है यहाँ पे, एक्टिविटीज क्या है कचरे की? चल रहा है स्वच्छ भारत स्वच्छ अभियान। अभी 2-4 दिनों से थोड़ी सुविधाएं होने लगी यहाँ पे, गाय डोर वगैरह भी नहीं आने लगे, सुअर भी नहीं आने लगे, नहीं तो पहले बहुत जानवर आ जाते थे, पूरा यहाँ आया था कचरा भरा जाता था। तो ये कचरा पॉइंट कब से बंद कर रखा? ये अभी 4-5 दिन हुए। अच्छा, तो इसकी सूचना अभी की पटल बोर्ड पर तो लिखी नहीं गई? इसकी सूचना इस पर लिखी भी गई है, अभी बोर्ड वगैरह कुछ लगाया नहीं गया। मैंने कैमरे की मांग करी है। अच्छा, कि 2 कैमरे लग जाएं तो अच्छी सुविधा हो जाएगी, बाकी लोगों को तो भगाते ही हैं हम सुबह शाम। और ये ड्यूटी कब से? ये अभी 4-5 दिन हुए। अच्छा, ये ड्यूटी सुबह शाम दोनों टाइम रहती है? नहीं, सुबह शाम नहीं रहती, सिर्फ सुबह आते हैं। हाँ, शाम को तो हमको ही देखना पड़ता है। लाइन भारत टीवी के लिए शाजापुर से शब्बीर अख्तर की रिपोर्ट। खबरों में बने रहने के लिए ग्रामीण भारत टीवी को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकॉन दबाना ना भूलें।